गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। आज मैं कर रही हूँ आपके लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स और कैसे बनाने हैं, आपको क्या क्या चाहिए आज मैं बताता हूँ। एक ब्लैक स्केच पेन आपको चाहिए और ऐसे इसका मैं साइज बाद में बताऊँगा। ऐसे ये इक्वल साइज होना चाहिए। एक एक ऐसे एक कार्डबोर्ड चाहिए और आपको स्केच पेंस चाहिए। मेरे पास शीट्स है, आपको वाइट चाहिए, वाइट और ब्लू चाहिए आपको और पिंक चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको दो शीट्स लेना है, ऐसे मेरे पास बड़ा शीट नहीं है, आप कोई भी एक गम लेकर ऐसे चिपकाइए ऐसे ऐसे चिपकाइए। देखिए ऐसे चिपका कर ऐसे चिपकाइए। अब हो चुका है, देखिए ठीक है, हो चुका है। अब आपको कार्डबोर्ड्स लेना है। कार्डबोर्ड्स एक ऐसे ये बीच में इसका लेंथ देखते हैं। देखिए इस पर 10 आपको 10 सेंटीमीटर लंबा और ऐसे फाइव पॉइंट फोर्टीन आपको लेना है। मैं यह पर लिख देती हूँ। यहाँ पर ऐसे देखिए 10 सेंटीमीटर यहाँ पर इसको सेम यही सेम ओके। आपको ऐसे लेकर इसको भी यहाँ पर सेम है, इसको चेक कर लेते हैं। ये तो 2 सेंटीमीटर है, देखिए 2 सेंटीमीटर ऐसा ऐसा इसको ऐसे रखकर मैं मुड़कर रख हूँ, जैसे ऐसे रखकर आपको पेस्ट कर लेना है। सो अब हो चुका है गाइस, मैं यहाँ पर चिपका सकी हूँ। देखिए ऐसा हो चुका है। अब आपको एक शीट लेना है, आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, मैं वाइट कलर का ले रहा हूँ। उसको ऐसे ऐसे मेरे पास दो है, ठीक है मेरे पास दो है, मैं इसको चिपकाऊंगी अब। देखिए गाइस हो चुका है। अब इसको आप स्प्रेड करते हैं। देखिए गाइस अब चिपक चुका है, अब मैं गम डाल चुकी हूँ। अब गम डालने के बाद में आपको इसके कॉर्न ऐसे कट कर लेना है, ऐसे देखिए
ऐसे आपको कट कर लेना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ठीक है, ऐसे उस तरफ भी अब हो चुका है गाइस, अब हो चुका है। अब इसको थोड़ी और गम लेकर कर उसको ऐसे स्प्रेड कर कर इसको ऐसे चिपकाना है, देखिए इसके ऊपर ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे करना है। फिर थोड़ी और गम डालकर ऐसे डाल लेना है उसके ऊपर, हाँ यहाँ पर ऐसे कट कर लो उसे। फिर आपको इसको भी चिपका लेना है, देखिए ऐसे ऐसे, देखिए इसके ऊपर आपको वाइट शीट चिपकाना है, देखिए हो चुका है। अब यहाँ पर भी थोड़ी गम लगाते थे हम, इसको भी चिपका लेते हैं। अब इसको कट कर लेते हैं गाइस, अब मैं कट कर चुकी हूँ, देखिए इसको भी ऐसे चिपका लेना है। अब हो चुका गाइस हमारा, देखिए ऐसे ऐसे होना चाहिए, देखिए देखिए गाइस अब हो चुका है हमारा। और इसके ऊपर हम वाइट शीट को चिपकाते हैं। मैं तो पहले ही एक गम डाल चुकी थी, ये तो जम गया है, देखिए ऐसे स्प्रेड कर लीजिए वरना मार्क होगा, ऐसे मार्क होएगा ऊपर, देखिए ऐसे आप ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, मेरे पास ब्रश से इसको चिपकाना है, देखिए ये वाइट शीट को ऐसे आपको इसके ऊपर भी डालना है गम को, देखिए सो गाइस हो चुका है हमारा। देखिए मैं ऐसे पक चुकी हूँ, देखिए ऐसे आना चाहिए आपको, देखिए ऐसे अब रेडी हो चुका है। आपको मैं बीच में रखा था ना एक कार्डबोर्ड पीस, उसके साइज ही आपको ऐसे लेकर ऐसे वाइट शीट चिपकाना है, फिर आपको ऐसे चिपकाना है यहाँ पर ऐसे। सो मैं अब इसको दोनों को चिपका चुकी हूँ, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे चिपका चुकी हूँ। चिपकाने के बाद आपको ऐसे दोनों और ये दो, मैं इसकी लेंथ आपको बताऊंगी, देखिए इसका लेंथ मैं एक से लेती हूँ, इसका लेंथ 1.7 नोट कर लीजिए, 1.7 ये दोनों भी एक ही साइज का है। और इसका साइज मैं लेंथ बताती हूँ, इसका 5.13 और इसका मैं एक से लेता हूँ 1.7 लिखकर लीजिए। और इसको मैं पहले इसको लेता हूँ, ये दोनों को लेकर
ऐसा इस पर और इस पर गम लगा देती हूँ मैं इतने से ऐसा। इसको बीच में चिपका कर ऐसे करिए। अब मैं इसको चिपका चुकी हूँ, देखिए ये अब हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको गम लेकर ऐसे इसको ऐसे गम लगा देती हूँ, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे गम लगा देती हूँ। देखिए मैं भी नीचे भी गम लगा लो। मैं अब ये हो चुका है, यहाँ पर सब सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर गम लगा लेना है। देखिए ऐसे इसको ध्यान से करिए, एक कहाँ पर आता है उसको जाकर ये चिपकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये हो चुका है गाइस, अब ये चिपक चुका है, देखिए अब ये हो चुका है। अब हमारा लास्ट, इसको एक वाइट शीट में से रख कर पिंक को ऐसे सर्कल में कट कर कर ऐसे बनाना है आपको। फिर आपको एक छोटी सी एक ऐसे लेकर उसको ऐसे कट कर लेना। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ वैसा। अब इसको ऐसे लेकर इसको पेस्ट कर लेना है पीछे से, आगे से नहीं पीछे से, कॉर्नर में गम लगाकर इसको यहाँ पर पीछे ऐसे लगाना है पीछे ऐसे। फ्रंट में आपको इसको लेना है, इसको लेकर इसको इसके अंदर डालकर ऊपर से आपको इसको ऐसे लेकर इसको पीछे से नहीं डालना गाइस, इसको ये नहीं हो रहा है इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे डाल लेना है को कैसे यहाँ पर और यहाँ पर इसे चिपका लेना है। ओके ऐसे इसको इसके अंदर डालकर अब हो चुका है गाइस। मैं यहाँ पर इसको लगा देती हूँ, को गम लेना है इसको यहाँ पर ऐसे चिपका लेना है, देखिए ऐसे इसको यहाँ पर चिपका लेना है। मेरे पास देखिए यहाँ पर ऐसे स्टोन्स है मेरे पास, इसको मेरे पास है, इसको मैं लेकर यहाँ पर चिपकाऊंगा। देखिए ऐसे
ऐसे चिपका लेना है डेकोरेशन के लिए। ऐसे डिक कर रही हूँ, सही देखिए। अब मार्कर लेना है, ऐसा ऐसे गैस ऐसे करना ना। ऐसे होने के बाद अब हो चुका है। अब मेरे पास मार्कर ब्रश पेन, आप स्केच पेन ले सकते हैं। ऐसे एक डिज़ाइन कर लेना है आपको। देखिए गाइस हो चुका है, और ये येलो कलर। तो अब गाइस हो चुका है, मैं ये डिज़ाइन भी हो चुका है। अब ये देखिए आप, सब हो चुका है। मेरे पास एक पॉकेट की तरह बना लीजिए ऐसे। मैं डेकोरेशन के लिए ये स्टोन लगा चुकी हूँ, आप कैसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे डालूँगी। स्टोन से ना, इसलिए मैं ज्ञान से कर रही हूँ आज। इसको यहाँ पर चिपकाइए, ऊपर मत लगाइए, इसको पॉकेट में छोड़ना है ना, इसलिए ऊपर मत डालिए। गम को मत डालिए, ऊपर मत डालिए, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही डालिए। होने के बाद मेरे पास मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ इसका। मैं मिनी नोटपैड आप देख सकते हैं, वो मैंने बना है, उसको मैं इसके अंदर डालूँगी वो सूखने के बाद। अभी वो सूख देखिए, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये सूख नहीं रहा, अभी तक ये सूखी नहीं है, फिर मैं दिखाऊंगी आपको। इसको लॉक करते हैं अब। देखिए ऐसे लॉक करते हैं। अब ये रेडी हो चुका है गाइस। सो गाइस अब हो चुका है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। सो हम देखते हैं, आइए
मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कैसा है। मुझे कमेंट्स में बताओ कैसे हैं, मुझे कमेंट्स में बताना है कैसा है, मुझे बताओ प्लीज़। सब्सक्राइब करना प्लीज़। देखिए अभी तक ये सूखी नहीं है, देखिए सो गाइस अभी हो चुका है हमारा जियो मेट बॉक्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज़ कमेंट्स करना मुझे प्लीज़। आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए प्लीज़। अगली वीडियो में मिलती हूँ, बाय।